सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टैग विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नए वीडियो का साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे जेब पे में आप किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हो, जो नया अपडेट आया है तो उसके ज़रिए आप किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरह से आपको डिपॉजिट करना है। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग अपना जेब पे जो है वो ओपन कर लेते हैं। तो इसको आप ओपन कर लीजिए और मेरा ये ऐप जो एप्लीकेशन जो है ये अपडेटेड है। देखिए ये जो है अभी बिल्कुल नया हो चुका है और इसका जो इंटरफेस है ये भी बहुत अलग हो चुका है। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट करने के लिए आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा। नीचे में पोर्टफोलियो का ऑप्शन है तो इसी में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो भाई आपको जो है यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट में क्लिक कर लेना है। तो डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपका पास अपना इंटरनेट बैंकिंग जो है वो होना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहते हो। तो पहले यहाँ पर आप UPI के थ्रू भी कर सकते थे या फिर आप डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र कर सकते थे, पर अभी जो है जैसे ही ये अपडेट आया है तो यहाँ पर बिल्कुल जो है ये चेंज हो चुका है। तो आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करना है। मैं आपको बताऊँगा इंटरनेट बैंकिंग आपको किस तरह से करना है। ओके, तो यहाँ पर हो चुका है ये। आपको यहाँ पर जितना अमाउंट डिपॉजिट करना है वो डाल लेना है। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अभी 100 रुपया डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ऑटोम डिपॉजिट पर आपको टिक कर लेना है यहाँ पर। उसके बाद आपको प्रोसीड टू डिपॉजिट पर क्लिक कर लेना है। तो प्रोसीड टू डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो इसीलिए थोड़ा ये जो है लेट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि भाई आपका बैंक अकाउंट जो है ये नंबर है और यह बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको वो टिक कर लेना है और यहाँ पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड पे पर क्लिक कर लेना है। तो वेरीफाई एंड पे पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। तो नेट बैंकिंग डिटेल पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक जो है अपना सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा, जो भी बैंक आपका है। तो यहाँ पर फिलहाल मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। आपका जो भी है आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है आपको लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर रिटेल या फिर कॉरपोरेट जो भी आप हो वहाँ से आप यहाँ पर एंटर कर लेना, ठीक है। अगर आप रिटेल हो तो रिटेल पर क्लिक कर लेना और कॉरपोरेट हो तो कॉरपोरेट पर क्लिक कर लेना। जब आप चलिए मैं यहाँ पर रिटेल पर क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पूछ रहा है कि भाई मेरा यूज़र आईडी क्या है और पासपोर्ट क्या है और यहाँ पर ये कैप्चा जो है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपका पास अपना इंटरनेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। और इंटरनेट बैंकिंग कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ओके यहाँ पर देखिए ये मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का है। तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो तो सबसे एक नंबर ऊपर वाला पढ़िए तो यहाँ पर विजिट द ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र वेयर यू हैव अकाउंट। तो आपका जहाँ जहाँ पर भी जिस भी बैंक पर आपका अकाउंट है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद जो है वहाँ पर आपको एक इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म मिलेगा तो उसी फॉर्म को जो है आपको अप्लाई कर देना है, फिलअप करके आपको जो है वहाँ पर दे देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर देखिए ऑन सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म एट द ब्रांच एंड द इंटरनेट बैंकिंग सेल यू विल रिसीव इंटरनेट बैंकिंग फोन बैंकिंग SMS बैंकिंग यूज़र ID एंड पासपोर्ट ऑन योर पोस्टल एड्रेस। तो आपका जो भी एड्रेस है वहाँ पर जो है इंटरनेट बैंकिंग का जो है आपको आपका एड्रेस पर जो है एक पोस्ट आएगा तो वहाँ पर आपका जो है यूज़र आईडी और पासपोर्ट होगा। जब भी ये सक्सेस हो जाएगा तो आपको एक यूज़र आईडी एंड पासपोर्ट जो है अपना बैंक की तरफ से आपको मिलेगा। तो उसी में आपको इंटरनेट जो पासपोर्ट है और यूज़र आईडी है वही आपको संभाल के रखना है, वही आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वैसे भी सबका पास जो है इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत अच्छा चीज़ है। तो आपको जो है यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर 4 नंबर में बताया रहा है कि भाई ऑन रिसीव ऑफ पासपोर्ट ऑफ योर ऑल कॉल टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, फॉर एक्टिवेशन ऑफ योर यूज़र आईडी। तो रिसीव अ पासपोर्ट यू हैव टू कॉल। तो देखिए जब भी आपको जो है एक्टिवेशन जो आपको मिलेगा, जो आपका यूज़र आईडी मिलेगा और जो आपका पासपोर्ट मिलेगा, वो मिलने के बाद जो है आपको यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा और कॉल करने के बाद जो है आपको एक्टिव कर लेना पड़ेगा।
ठीक है, इन दो नंबर में आपको भी, जो भी आपका बैंक है, जो भी आपका ब्रांच है, वहाँ पर दूसरा नंबर होगा तो आपको उसी नंबर पर कॉल करना पड़ेगा और आपको जो है एक्टिव कर लेना पड़ेगा। और जैसे एक्टिव हो जाएगा तो आपका जो है रन, मतलब आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जैसे आपका एक्टिव हो जाएगा तो आपका जो यूज़र आईडी है आपको वहाँ पर डाल लेना है, और डालने के बाद जो पासवर्ड है वहाँ पर डालने के बाद आपको कैप्चा एंटर कर लेना है, और कैप्चा एंटर करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है और आपका पैसा जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है। बहुत ही सिंपल जाए, आपको उसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने बताया है। सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना पड़ेगा और जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का फॉर्म है उसको फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो मैं अगर करता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और दिखाऊँगा किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो वीडियो मैंने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।